दीपक त्रिपाठी, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़े थे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत। सामाजिक विषय हमारा विषय था, ठीक है। उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हमने अलग अलग घटनाओं के बारे में पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे काकोरी कांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं। हम इससे पहले देख लिए हैं कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने क्या किया, चोरी चौरा कांड के फलस्वरूप अचानक असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, उसके बाद चाहे देश में बात कर लें, चाहे युवाओं की बात कर लें, चाहे कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की बात कर लें, सबको ये लगने लगा कि जिस आंदोलन के फलस्वरूप हमको स्वराज मिल सकता था, गांधी जी ने क्या किया, उसे अचानक बंद कर दिया। अब सभी जितने भी लोग भी नाराज थे, सभी ने गांधी जी से नाराज होकर के अपना अलग अलग संगठन बनाना शुरू कर दिया। उसी के फलस्वरूप आगे चल के जो भारत के युवा वर्ग थे, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया। उस संगठन के द्वारा एक लूटपाट की घटना की गई, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी कांड के बारे में, इस काकोरी कांड के बारे में हम अध्ययन करना है। आज हमारा उद्देश्य क्या होगा, आज की क्लास के द्वारा हम क्या क्या अध्ययन कर सकते हैं, हम देखते हैं कि क्रांतिकारी संगठनों के मुख्य उद्देश्यों के बारे में हम लोग जान लेंगे, ठीक है। काकोरी कांड में अध्ययन करेंगे क्या क्या उसमें घटित हुआ था, और इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे कि अंततः भारतीय जनमानस में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अध्ययन करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में समझेंगे क्या होता है कि गांधी जी ने क्या किया 1922 में। गांधी जी क्या कर रहे हैं 1922 में जाकर के अपना पूरा का पूरा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते, जिसके फलस्वरूप 3-4 तत्कालिक कदम उठे। कौन कौन से कदम उठे? पहला तो गांधी जी को तुरंत क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा कदम क्या उठा? दूसरा कदम उठा कि एक नई पार्टी, कांग्रेस में फूट के कारण एक नई पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का नाम क्या हुआ? स्वराज पार्टी। और तीसरा, जो युवा वर्ग थे, युवा वर्ग ने क्या किया? युवा वर्ग ने अपना एक अलग संगठन बनाना शुरुआत किया, जो गांधी जी की विचारधाराओं से अलग। अब हम बात आते हैं, ऐसे ही एक संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम रहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये क्रांतिकारी संगठन था जिसका मानना था कि अनुनय विनय से काम नहीं चलेगा, हमको क्या पड़ेगा, सशस्त्र आंदोलन चलाना पड़ेगा। किसके खिलाफ? इन अंग्रेजों के खिलाफ हमको सशस्त्र आंदोलन चलाना पड़ेगा। इसकी स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1924 में। स्थापना कहाँ हो रहा है? कानपुर में। संस्थापक इसके सदस्य, प्रारंभिक संस्थापक सदस्य कौन रहते हैं? ये तो राम प्रसाद बिस्मिल रह गए, ठीक है। दूसरा योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंदर नाथ सान्याल, ऐसे जैसे युवा क्रांतिकारी नेताओं ने मिलकर के इस एचआरए का निर्माण किया। अच्छा, ये इतिहास में एचआरए के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका शॉर्ट फॉर्म एचआरए। इस पार्टी का नेतृत्व जब निर्माण करने के बाद आपका योगेंद्र चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल बंगाल चले जाते हैं, इस पूरा का पूरा कमांड किसको दे देते हैं? रामप्रसाद बिस्मिल जी को इस संगठन का कमांड दे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, किसके लिए संगठन बना था? सबसे पहले सशस्त्र क्रांति को व्यवस्थित करना, ठीक है। मतलब हम एक क्रांति चलाएंगे जो रूस की क्रांति से प्रभावित थी, और वो क्रांति क्या होगा? एक सशस्त्र क्रांति होगा जिसमें हथियारों का प्रयोग होगा, और उसके द्वारा हम क्या करेंगे, समुचित व्यवस्था को। और उसके द्वारा क्या करेंगे, उस क्रांति, सशस्त्र क्रांति के द्वारा हम प्राप्त क्या करेंगे, तो हम क्या क्या करेंगे, औपनिवेशिक शासन को समाप्त करेंगे। जो ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश बना रखे हैं उन्होंने अलग अलग देशों में, ठीक है, अपने गुलाम बना रखे हैं, उस शासन को समाप्त करेंगे। और क्या करेंगे, एक संघीय गणराज्य, संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो क्या होगा, एक संघ के रूप में एक गणराज्य होगा, ये भारत को हम जो एक उपनिवेश है उससे परिवर्तित करके हम इसमें, ठीक है। बाद में इसी के सानिध्य में जो आप आज का टॉपिक है काकोरी कांड, उसको पढ़ना। बाद में इसके प्रमुख नेता पकड़े जाते हैं, और अंत में हम देखते हैं कि सितंबर 1928 में इसका नाम कुछ परिवर्तित हो जाता है। नाम परिवर्तित हो क्या होता है, पहले नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बाद में क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और नाम चेंज करने का मुख्य श्रेय किसको जाता है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, और उनके नेतृत्व में फिर इसके सेकंड चरण का आंदोलन चलता है, जिसको हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये टोटल डिटेल हो गया एचआरए के बारे में, कुछ और इसके बारे में समझते हैं। अब काकोरी षड्यंत्र जो रचा गया था उसका उद्देश्य क्या था? अब संगठन का निर्माण हो गया है,
इसके सिद्धांत बन गए हैं। ठीक है, और जो निर्माणकर्ता प्रमुख लोग थे उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी को कमान सौंप करके वापस चले जाते हैं बंगाल की ओर। ठीक है, ये सारा का सारा संगठन का मेन केंद्र क्या था? मेन केंद्र था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब आधुनिक उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब संयुक्त संगठन को आगे बढ़ाना था क्योंकि ये क्रांतिकारी संगठन था। सरकार भयंकर जो भी इन क्रांतिकारी संगठनों का जो हिंसा का सहारा लेते थे, अगर उनका कोई मदद करता है चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे किसी भी रूप में हो, तो अंग्रेज उनके खिलाफ कठोर दमन नीति अपनाती थी। तो आम जन जन जी जो जनमानस था, जो व्यापारी वर्ग था, वो खुल करके इनको आर्थिक सहायता नहीं देगा। चूंकि संगठन चलाना था, पैसे की जरूरत थी हथियार खरीदने के लिए, चाहे संगठन को विस्तार विस्तृत रूप देने के लिए, चाहे भ्रमण करके लोगों को युवाओं से मिलने के लिए, तो उस पैसे का इंतजाम होगा था। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने डिसाइड किया कि उस पैसे का इंतजाम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लूटपाट करना पड़ेगा। ठीक है, और इस संगठन का क्या हुआ, हमको धन प्राप्त करने के लिए लूटपाट होगा। शुरुआत में एक दो राजनीतिक लूटपाट करते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े लूटपाट का योजना बनाते हैं। और वो लूटपाट क्या था, सरकारी खजाने को लूटना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है कि हम लोग लूटपाट करेंगे लेकिन उसमें क्या करेंगे, हम न्यूनतम क्षति करेंगे। भाई किसी को आम जनजीवन को या ज्यादा पुलिस वालों को सूट या गोली नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ऐसी घटना करेंगे, हिंसात्मक घटना करेंगे, तो जनता के बीच हमारा गलत इमेज बन जाएगा। ठीक है, हमको एक लुटेरा ग्रुप समझा जाएगा। तो हमको इमेज भी अपना ठीक करना है कि ये लोग केवल सरकारी खजाने को लूटते हैं, तो जनता भी क्या करेगा, हमको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेगा और हमारा एक सकारात्मक छवि बनेगा। अब ये डिसाइड हो गए। ठीक है, इसके बाद इस लूटकाट की कुछ योजना भी बनेगी। ठीक है, तो लूटकाट की योजना कौन बनाता है, लूटकाट की योजना बनाते हैं दो लोग, प्रमुख नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला। ठीक है, ये लोग 8 तारीख को मिलते हैं और क्या करते हैं, इस लूटपाट की पूरी योजना बनाते हैं। लूटपाट की कार्रवाई में कौन कौन सम्मिलित था इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल उन्होंने बनाया था, उन्होंने खेल कर अशफाक उल्ला खान जो थे, इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद हो गए, राजेंद्र नाथ बंगड़ी हो गए, सचिंद्र बख्शी हो गए, केशव चक्रवर्ती हो गए, मुरारी लाल खन्ना हो गए, बनवारी लाल, मुकुंद लाल और मनमोहन नाथ गुप्ता, ये सभी लोग मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हम लोग सरकारी खजाने की लूटपाट करेंगे। ठीक है, किस सरकारी खजाने की लूटपाट करेंगे, इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि उस समय लखनऊ हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, लखनऊ को, लखनऊ पर अलग अलग स्टेशनों से, छोटे छोटे शहरों से जो सरकारी पैसा होता था, जो बैंकों में जमा होता था, वो सभी पैसा इकट्ठा होकर के लखनऊ रखने के लिए जाता था, सारा पैसा वहां पर इकट्ठा किया। क्रांतिकारी ने डिसाइड किया कि किसी एक छोटे स्टेशन से हम लोग क्या करेंगे, कोई ट्रेन चलता होगा जिसमें सरकारी पैसा रखा गया होगा, और जब वो लखनऊ जाएगा उसी समय उस ट्रेन के उस केबिन को हम लोग लूट लेंगे और वो पैसा लेकर के हम अपने संगठन के कार्यों में क्या करेंगे, आगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि या किसी भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, उस ट्रेन को लूट लेंगे। ठीक है, अब वो कौन सा ट्रेन था, ठीक है, उसी ट्रेन के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा, काकोरी कांड पड़ा, क्योंकि वो जो घटनाक्रम घटित होता है वो काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर घटित होता है। अब जैसे हम बताएं कि 8 अगस्त को क्या हो गया, आचार्य का बैठक होता है जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल मुख्यतः थे, ये योजना बनाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 9 अगस्त को सहारनपुर से लखनऊ की ओर, ठीक है, एक ट्रेन चलता है, उस पर हम लोग क्या करेंगे, लूटपाट करेंगे। ठीक है, 9 अगस्त का दिन आ जाता है। एक्चुअल में देखिए उस नाम ट्रेन का नंबर था 9, अब वो क्या था, लखनऊ से सहारनपुर जाता था, फिर वहां से वो वापस लौटता था, इसीलिए नाम क्या लिखा है, 8 डाउन ट्रेन, मतलब वो सहारनपुर से वापस आएगा। उसी समय ये लोग क्या करते हैं, सहारनपुर में चढ़ जाते हैं और ट्रेन लखनऊ की तरफ रवाना होने लगता है। जैसे ही काकोरी नामक छोटा सा स्टेशन एक आता है, वहां पर ये लोग चैन पुलिंग कर देते हैं, लूटपाट की घटना घटित करते हैं, उसमें करीबी को लूट करके 4,500 रुपए मिलता है। अब थोड़ा यहाँ पर 8,000 लिया है तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो मूल नगद पैसा मिला था वो 4,500 के करीब मिला था, और बाकी सब सामानों को अगर उसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि उस सरकारी उसमें कुछ और बहुमूल्य चीजें थी, तो उसका टोटल मूल्य अगर निकाला जाए तो वो 8,000 रुपए के करीब था। तो तब पैसा नगद कितना मिला था, 4,500 रुपए और टोटल मूल्य। इसके बाद ये लोग लूटपाट करके कहां भाग जाते हैं, लखनऊ की तरफ भाग जाते हैं, कोई दूसरे शहर में भाग जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा सूचना अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाता है, 10 तारीख को छप जाता है कि पहली बार किसी भारतीयों ने क्या किया,
चलती ट्रेन में लूटपाट की घटना अंजाम होती है। उसी समय जब लूटपाट होता है तो गलती से एक गोली चल जाता है, उस गोली चलने से एक यात्री की मृत्यु भी हो गई होती। 11 अगस्त आ गया, घटना के दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन लखनऊ की पुलिस ने कप्तान को एक रिपोर्ट सौंपी। लखनऊ के पुलिस कप्तान ने कि एक ट्रेन में एक लूटपाट हो गई है, उसके लिए जांच इंक्वायरी होना चाहिए, ठीक है। जांच इंक्वायरी गठित होती है, जांच इंक्वायरी गठित होने के बाद 25 तारीख को वो 11 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का घोषित करती है और अंत में 26 सितंबर 1925 को प्रमुख लोगों को 11 में से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें प्रमुख जो राम प्रसाद बिस्मिल जो इस एचआरए के तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष थे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 21 मई को ए हैमिल्टन के सत्र न्यायालय में, हाउस न्यायालय में इसकी कार्रवाई शुरू होता है लखनऊ में और अंत में इन लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। इसी दौरान शुरुआत में 6 ही लोग गिरफ्तार होते हैं तो कुछ लोग जैसे अशफाक उल्ला खान, सचिन जो बख्शी थे, ये लोग मुकदमा जब खत्म हो जाता है उसके बाद ये लोग गिरफ्तार होते हैं। अब घटना घटित हो गया, सारा कुछ हो गया, क्रांतिकारी कार्य क्या होते हैं वहां से लखनऊ, अधिकांश लोग लखनऊ जाते हैं। लेकिन इसी गलती में क्या होता है कि एक लोग का जो खुद चेहरा छुपाने के लिए चादर ये लोग रखे थे तो चादर वहीं पर छूट जाता है। तो जब इसकी जांच इंक्वायरी होता है, वो चादर की जांच होता है, अच्छा जांच इंक्वायरी दिया किसे जाता है, इसमें प्रमुख व्यक्ति नाम आता है इंस्पेक्टर तसुद्दीक हुसैन का, ठीक है। वो स्कॉटलैंड की तेज तरार पुलिस के साथ इसकी इंक्वायरी करते हैं। उन्होंने चादर की इंक्वायरी किया तो उस समय लोग धोबी लोग क्या करते थे, जब भी कोई कपड़ा धो के देते थे तो उस पर अपना मोहर लगा देते थे। तो उसमें दिखाता है कि शाहजहांपुर का एक मोहर लगा हुआ है, क्योंकि सारा घटना का प्लानिंग कहां हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ था। सारे धोबियों को शाहजहांपुर के पकड़ा जाता है, चेकिंग होता है, अंत में पता चलता है जिस धोबी था उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का है, वो व्यक्ति पकड़ा जाता है और उस व्यक्ति ने सारा का सारा राज उगल दिया। इसके बाद 11 लोग के खिलाफ वारंट होता है, अंतिम तक जाके 40 लोग को क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भाग जाते हैं वहां से, वो पकड़ में नहीं आते हैं। बाद में देखते हैं 1928 में एचआरए की कमान वो बाद में संभालते हैं। 1921 तक जब तक ये वीरगति को प्राप्त नहीं हो जाते हैं पूरा का पूरा संगठन की जिम्मेदारी ले सकते। अब इस मुकदमे में होता क्या है, ठीक है, जो केस चलता है सरकार के खिलाफ उस केस का नाम होता है सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल। आप समझ सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल उस समय कितने पॉपुलर हो गए थे अंग्रेजों के दिमाग में तथा अन्य। टोटल गिरफ्तार कितने लोग थे, 40 लोग। मेन अभियुक्त कितने थे, 11 लोग थे, ठीक है। सुनवाई कब शुरू होता है, 21 मई 1926 में, ठीक है। टोटल सुनवाई कितने दिन चल रहा है, 10 महीने चल रहा है। उसके बाद कुछ जो भारतीय नेता थे उन्होंने भी क्या किया, इन लोगों सपोर्ट में इन्होंने क्या किया, सरकारी जो क्रांतिकारी थे इनके सपोर्ट में इन्होंने इनकी वकालत करने की सिफारिश की। देखिए हम देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरा का पूरा मामला अपना खुद वो क्या किया था, वकालत किया था, अपना पक्ष खुद इन्होंने। कौन प्रमुख भारतीय नेता थे या वकील थे इस समय जिन्होंने सपोर्ट किया था इनका, गोविंद वल्लभ पंत हो गए, चंद्रभान गुप्ता हो गए, ठीक है, मोहनलाल सक्सेना हो गए, अजीत प्रसाद जैन जी जैसे लोग, इन्होंने क्या किया क्रांतिकारियों का सपोर्ट करके उनका वकालत। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जो समय गिरफ्तार हुए थे, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। बीच में आप ये देखेंगे 10 नंबर पर कौन है, यही वो है शख्स जिन्होंने इस पूरे का पूरा क्या किया था, अपना योजना बनाई थी राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें देखेंगे अशफाक उल्ला खान जी का फोटो नहीं है, ठीक। तो इस पर अलग अलग व्यक्ति हम देखते हैं, इस सभी लोग मिलकर क्या किए, जो अभियुक्त थे, कोर्ट रूम का ये फोटो है जहां पर ये लोग पकड़े गए थे, पर कार्रवाई चलता है, ये लोग अपना पक्ष रखते हैं और अंत में सरकार निर्णय सुनाती है 22 अगस्त 1927 में। और उसमें क्या किया जाता है, कुछ 15 लोग को छोड़ दिया जाता है और ये 4 लोग जो प्रमुख अभियुक्त मानते हुए इन लोग को फांसी की सजा दी जाती है। कौन कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी की सजा दी जाती है। कुछ लोगों को आजीवन कारावास दिया जाता है, कौन कौन थे, सचित्र नाथ बख्शी, सचित्र नाथ सान्याल, ठीक है, 10-10 साल की सजा किसको दिया जाता है, योगेश्वर चटर्जी को, मुकुंदन चंद्र को, गोविंद चरण को, राम कुमार को, रामकृष्ण खत्री को, और कुछ लोगों को 5-5 साल की सजा दी जाती है, जैसे विष्णु शरण को, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी को, भूपेंद्र नाथ को, राम दुलारे त्रिवेदी और प्रेम किशन खन्ना को 5-5 साल की सजा दी जाती है। अब पूरे भारत में यह हंगामा हो गया, क्रांतिकारी युवा वर्ग छोटे छोटे, कोई 24 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 28 साल का था,
तो पूरे भारत में ये आवाज उठने लगती है कि इनको फांसी की सजा नहीं देना चाहिए, इनको आप क्या कीजिए उम्र कैद की सजा दीजिए, अभी युवक है ये लोग की गलती है मान लेंगे, ठीक है, इस तरह का आवाज उठना। उसके बाद कुछ भारतीय नेताओं के द्वारा, क्रांतिकारी नहीं चाहते थे कि उनका क्षमादान जो हो, लेकिन भारतीय नेताओं द्वारा क्षमादान की अपील किया जाता है। जैसे ठाकुर मनजीत सिंह ने सबसे पहले क्या किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपील किया, उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद काउंसिल के अधिकांश सदस्यों ने क्या किया, संयुक्त प्रांत के जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था वहां के गवर्नर के पास जाते हैं, सर विलियम मोरिस के पास जाते हैं, उनको प्रार्थना पत्र देते हैं, इसको खारिज कर दिया जाता है। फिर सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्य कहां पहुंच जाते हैं, भारत के वायसराय के पास पहुंच जाते हैं, कौन था उसमें लिटरेट, इनके पास अपना आवेदन देते हैं, ये भी खारिज कर दिया जाता है। अंत में प्रयास करते हैं मदन मोहन मालवीय अपने प्रतिनिधि मिलकर के फिर वायसराय के पास जाते हैं, इनका भी कैंसिल जाता है। और आखिरी प्रयास करते हैं बैरिस्टर मोहन लाल सक्सेना, ये कहते हैं भारत में बात नहीं सुना जा रहा है, हम इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल के सामने इसका आवेदन करते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है कैंसिल हो जाती है। और अंत में इन सभी लोगों को, चार लोगों को क्या होता है, चार शख्स हैं जिनको क्या किया जाता है फांसी की सजा दी जाती है। कौन कौन से हैं ये हम देख सकते हैं, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी की सजा दी जाती है। युवा 24 साल 25 साल उम्र, ठीक है। 17 दिसंबर 1927 को सबसे पहले किसको दिया जाता है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को गोड्डा में दिया जाता है। 19 तारीख को बाकी लोग को, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में दे दिया जाता है, ठाकुर रोशन सिंह जी को इलाहाबाद में दिया जाता है, अशफाक उल्ला खान जी को फैजाबाद में फांसी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। और इस प्रकार पूरे भारत में एक उबाल आ जाता है, युवा वर्ग काफी नाराज हो जाता है अंग्रेजी शासन से, और इस संगठन की तेजी के साथ युवा वर्ग सारे क्रांतिकारी संगठन की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, जनता का भी सपोर्ट सहानुभूति अब इन संगठन को मिलना शुरू होता है। अब यहाँ से एक नए इस क्रांतिकारी संगठन ने फिर नए नए पूरे भारत में इसका फैलाव होने लगता है, और हम देखते हैं आगे चल करके इसी संगठन के सदस्य होते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, ये लोग मिलकर के आगे इसके कार्यों को बढ़ाते हैं। कुछ सारांश है इसका, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, ये सब है, इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे काकोरी कांड कब हुआ, काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन कौन है, और काकोरी कांड में इसको फांसी की सजा हुई, इसको हम लोग देख लेंगे। अगले क्लास में हम लोग फिर गांधी जी को आगे चल करके कौन से आंदोलन चलाते हैं इसके बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे। धन्यवाद।